सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किंग टूल्स की. मार्किंग टूल्स में हमारा आता है ये टेलरिंग चॉक. ये टेलरिंग चॉक जो होता है इस तरह से डिफरेंट कलर्स में आते हैं. इनका आप जो सिलेक्शन है वो कपड़े के कलर के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. इस तरह से जब हमें कपड़े के ऊपर पैटर्न को ड्रॉ करना होता है तो इस तरह से हम इसे इसलिए लाइनें ऐसे हम किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. और इसके बाद है हमारा ये ट्रेसिंग व्हील. ये जो ट्रेसिंग व्हील है ये भी कपड़े के ऊपर पैटर्न बनाने के ही काम आता है. जैसे एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे जो हमें पैटर्न ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे इस तरह से जैसे हमने ये एक कपड़ा रखा और उसके ऊपर हमने इस तरह से कार्बन रखा और इस तरह से हमने एक और इसके ऊपर कपड़ा रखा. इस तरह से जब हम कपड़े के ऊपर इस तरह से व्हील चलाएंगे, जो भी हमने लाइन पैटर्न की ड्रॉ करनी है उसके हम इस तरह से जिस तरह से भी हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए व्हील चलाते हैं तो नीचे हमारा इस तरह से ये ड्रॉ हो जाता है. इसके अलावा हमें चाहिए ये पेन. ये पेन हम जब ब्राउन पेपर या वाइट पेपर के ऊपर जब पैटर्न हम बनाते हैं तो इस तरह से हम पेन का इस्तेमाल करते हैं. और ये तो थे हमारे मार्किंग टूल्स. अब नेक्स्ट है हमारे कटिंग टूल्स. ये है हमारे कटिंग टूल्स. ये सीजर से हम कपड़ा काटते हैं. आपको ध्यान रखना है इस सीजर को सिर्फ कपड़ा काटने में ही इस्तेमाल करना है. इससे आप कागज़ नहीं काटेंगे, नहीं तो जो इसके ब्लेड है वो ख़राब हो जाएंगे. जो कटिंग सीजर है वो आपको शार्प होनी चाहिए ताकि उससे कपड़ा हमारा स्मूथली कट सके. ये है हमारी सीजर पैटर्न काटने के लिए, यानी कि कागज़ काटने के लिए. तो ये सीजर हमें अलग से लेनी है. इसके बाद हमारी आती है ये पिंकिंग सीजर. पिंकिंग सीजर की में ये इस तरह से जो ब्लेड होते हैं उनमें ये जिगजैग पैटर्न बना होता है. ये सीजर कपड़े के एंड्स को फिनिश करने के काम आती है ताकि वहाँ से धागे नहीं निकले. जैसे मैं आपको एक डेमो के तौर पर दिखाती हूँ. जैसे हमारा कपड़ा है, जब हम इसको इस तरह से साइड में से काटते हैं, ये इस तरह से जब हम काटते हैं तो इस तरह से इसके जो एंड्स हैं उसमें ये इस तरह से जिगजैग पैटर्न बन जाता है, जो देखने में अच्छा तो लगता ही है, साथ में उसमें धागे भी नहीं निकलते हैं. इसके बाद हमारा कटिंग टूल्स में ये हमारा सीम क्लिपर आता है, थ्रेड क्लिपर. ये जो थ्रेड क्लिपर है ये हमारा धागा काटने के काम आता है. जब हम मशीन में कपड़ा स्टिच करते हैं उसके ऊपर जब हमें ये धागा काटना होता है तो इस तरह से हम ये क्लिपर का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद हमारा ये इस्तेमाल होता है सीम रिपर. ये या उधेड़ना, जब जैसे हमारे कोई स्टिच को उधेड़ना है तो इस तरह से हम सीम रिपर का इस्तेमाल करते हैं. इसमें ये अंदर ब्लेड लगा होता है जिससे कि बड़ी आसानी से हमारी जो सिलाई है वो उधड़ जाती है. ये है हमारे मेजरिंग टूल्स. मेजरिंग टूल्स में ये इस तरह से मेजरिंग टेप, जिसे इंची टेप कहते हैं, उसकी हमें ज़रूरत है. ये जो इंची टेप है ये हमारा 6 इंचेस लॉन्ग होता है. ये इस तरह से पूरा इंची टेप जब हम खोलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे 6 इंचेस लॉन्ग होता है और 1.5 मीटर 60 इंच लंबा होता है. और 1.5 मीटर 60 इंच इज इक्वल टू 1.5 मीटर हमारा इंची टेप लंबा होता है. और इसकी दूसरी साइड हमारा इंचेस और सेंटीमीटर दोनों में मेजरमेंट होता है. और इधर की साइड हमारा जो इसका मेजरमेंट है वो इंचेस में होता है. इसके बाद हमारा इस्तेमाल होता है ये स्केल. इसको ग्रिड स्केल कहते हैं. इसका पैटर्न बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है.
ये जो हमारा है ये हमारा 18 इंचेस लॉन्ग ग्रिड स्केल है, इसके भी एक साइड पर सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट होता है और एक साइड में हमारा इंचेस में मेजरमेंट होता है। और ये जो बीच में आपको ये जो छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं इनको ब्लॉक कहते हैं। एक इंच में 8 ब्लॉक्स होते हैं। और इसके बाद हमारा ये इस्तेमाल होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसके यहाँ पे ये कर्व है, इसको हिप कर्व स्केल बोलते हैं। इसका भी हमें पैटर्न बनाने में जहाँ हमें ये राउंड वगैरह देने होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसका मेजरमेंट भी यहाँ पे इंचेस में दिया गया है। ये हमारा 30 इंच लंबा हमारा ये स्केल है, हिप कर्व स्केल है। इसके बाद हमारा ये आता है एल शेप में, ये स्केल है एल शेप में है ये हमारा स्केल। इस तरह से आप देख रहे हैं इसकी जैसे जो शेप है वो इसकी इस तरह से एल शेप में बनी हुई है। ये भी हमारा पैटर्न बनाने में इस्तेमाल होता है। और हमारा है ये बहुत इस्तेमाल होता है, ये हमारा फ्रेंच कर्व है। यहाँ पे भी हमें आर्म होल या नेक लाइन का राउंड बनाना होता है, तो इसके इस्तेमाल से हम राउंड बहुत परफेक्टली बना सकते हैं, जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं। ये हमारे स्टिचिंग टूल्स हैं। स्टिचिंग टूल्स में हमारा हमें चाहिए ये नीडल। ये हमारी जो हम हाथ से कोई भी जैसे हम स्टिचिंग का काम करते हैं उसके लिए हमारी नीडल यूज होती है। नीडल लेते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे जो पीछे की नोक है उसमें आपका जो थ्रेड है वो इजिली आप उसमें डाल सकें, तो थ्रेड नीडल लेते वक्त इसका खास ध्यान रखें, नहीं तो नीडल डालने में धागा डालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमें डिफरेंट अपने कपड़े के अकॉर्डिंगली हमें थ्रेड कलर चाहिए, अलग अलग तरह के थ्रेड कलर्स चाहिए। और ये हमें मशीन की नीडल चाहिए। आपको अपने पास एक्स्ट्रा नीडल रखनी चाहिए क्योंकि काम करते वक्त नीडल टूट जाए तो आप उसको चेंज कर सकें। प्रेस टूल में चाहिए आपको आयरन। आयरन से हम अपने पैटर्न और अपना जो मटेरियल होता है उसको आयरन करते हैं। उसके साथ आपको चाहिए प्रेस टेबल। और अगर आपके पास प्रेस टेबल नहीं है तो आप कोई भी मोटा जो कपड़ा है, जैसे कोई भी पुरानी बेडशीट वगैरह है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे आप कंबल बिछा लें और किसी भी फ्लैट सर्विस के ऊपर आप उसको आप अपना प्रेस टेबल बना सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो भी आप प्रेस के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो कलर है वो फास्ट होना चाहिए और कपड़ा थिक होना चाहिए, ताकि आयरन करते वक्त ना तो उसका रंग निकले और ना ही कपड़ा बर्न हो। आप देख रहे थे ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स। इसके बाद हमारा है पार्ट 2 जिसके बारे में आप कपड़े की पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से आपको कपड़े को मेज़र करना है, इंचेस क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्या होते हैं, विड्थ क्या होती है, लेंथ क्या होती है और कपड़े का सैलवेज क्या होता है। तो आप जरूर देखें पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। थैंक यू वेरी मच। ये है हमारा इजी टू लर्न चैनल, इसको देखते रहिए और सीखते रहिए।